याद रखिए, अगर आपको आपको प्रोडक्ट नहीं बेचनी, आपने ब्रांड बनाने हैं। ब्रांड एक वही चीज है जो जिंदा है, जो सांस लेती है। ब्रांड जो है वो वही चीज है जो दुनिया के अंदर आज जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रांड है। आप जितने प्रोडक्ट्स का नाम ले वो ब्रांड है। आपके बाथरूम में जितने रखे हैं वो ब्रांड रखे हैं। आप जिनसे नहा रहे हैं वो ब्रांड्स हैं। जिनसे आप दांत ब्रश कर रहे हैं वो ब्रांड्स हैं। जो आप जूतों को पॉलिश कर रहे हैं वो ब्रांड्स हैं। जो आप घर में चाय की पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्रांड्स हैं। वो ब्रांड्स की वजह से आपके घर तक पहुंचे हैं। जब तक आप ब्रांड नहीं बनाएंगे, जब तक आपकी प्रोडक्ट जिंदा नहीं रहेगी, दे विल डाई आउट। क्लियर होगी बात? हमने ये देखना है कि ये ब्रांड्स हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि पानी, लोगों ने पानी बेच के ब्रांड बना दिया। वो मुल्क जिसमें पानी दरिया बेचते हैं, लोग वहां पानी बेच रहे हैं यार। हम तो फिर भी हमारा मुश्किल काम नहीं है। हम तो लाइफ सेविंग ड्रग बेच रहे हैं। हमारे मुल्क को तो आज से पहले, हम 10 साल पहले तस्वर कर सकते थे कि हमारे मुल्क में पानी बिकेगा। हम वहां पर तो हम यहां पर क्या क्या चीजें सीख रहे हैं, आइए हम देखते हैं। तो पहली चीज आपने क्या लेके जानी है यहां से, आपके जहन में क्या है? जो मैंने आपसे पूछा था, कोई ऐसी चीज जो आपके जहन में, ताकि मैं आपके जहन में इसको क्लियर कर दूं। जी, कोई भी चीज जहां आपको प्रॉब्लम होती हो, जल्दी से फटाफट सर। जोर से बोलो, वहां तक के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं प्रोडक्ट्स के क्वालिटी के लिए, डॉक्टर बोलते हैं कि हम देखने की कोशिश करते। अच्छा, यहां प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास आता है कि हम देखते हैं कि डॉक्टर्स का एग्रीमेंट हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर्स एग्रीमेंट टू एक्ट। ठीक है, एक चीज हो गई डॉक्टर्स एग्रीमेंट टू एक्ट। दूसरी चीज क्या है जी, और कोई चीज जो आपके ध्यान में? सर, जब डॉक्टर से हम रिटेलिंग करते हैं तो पास रिटेलिंग बहुत फास्ट होती है और पास रिटेलिंग थोड़ी लॉन्ग होती है। तो कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो सुनना पसंद भी नहीं करते कि उनकी अट्रैक्शन कैसे लेवल से। वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ टू अट्रैक्ट डॉक्टर, है ना? यस सर। ओके, और जी वो एक ही बात है, कन्वर्ट करना। अच्छा ओके, चलिए हम आपकी बात लिख लेता हूँ। डॉक्टर्स को मैं ये कहूंगा कि कन्वर्ट को हटा करके हम ये कहते हैं कि हाउ वी सेटिस्फाई डॉक्टर, है ना? जी सर, डॉक्टर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तीन चीजें हैं। इसके अलावा कोई भी चीज आपके ध्यान में आए वो पूछ लीजिएगा, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम इसका, हमने क्या नाम दिया इसका? फार्मास्यूटिकल सेलिंग। ये बेसिकली मुख्तलिफ है दूसरी सेलिंग से, क्योंकि इसमें क्या फर्क है और आम सेलिंग में क्या फर्क है? इसमें स्किल्स क्या है? उसमें टेक्निक्स, उसमें टेक्निक्स नहीं, उसमें भी स्किल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें स्किल्स नहीं होते। यहाँ पर और वहां पर ये फर्क है कि आपके पास, आपके सामने आपका कंज्यूमर नहीं होगा। यू आर नॉट एड्रेसिंग डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। एक आदमी बीच में है ना, वो डॉक्टर है। आप डॉक्टर को लिख रहे हैं, डॉक्टर फाइल कर रहे हैं और डॉक्टर लिख रहे हैं और उनका पेशेंट परचेज कर रहा है। और यू नेवर नो कि किस पेशेंट ने परचेज किया, नहीं होता ना? 99% आपको नहीं पता चलता कि किस पेशेंट ने परचेज किया। तो हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल सेलिंग है जरा सी डिफरेंट है। डायरेक्ट सेलिंग अलग है, ये चीज एक अलग है। और फार्मास्यूटिकल सेलिंग निश मार्केट में आती है, छोटी मार्केट है। कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये हमारे पास एक छोटी मार्केट है। इसके लिहाज से हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल सेलिंग है, जरा जोर से पढ़िएगा सब मिलकर, क्या है? पहले बताया, एग्री करते हैं इस बात से? मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दूं, जेनेक्स आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दे, लेकिन वो इस काबिल नहीं हो सकता कि वो चल सके जब तक आप में क्या नहीं हो, विल। आप में इस चीज की विल होनी चाहिए कि यार जो चीज मैं यहां पे सीख रहा हूं उसको मुझे एग्जीक्यूट भी करना है, मुझे उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है ना? आज जितने बड़े क्रिकेटर्स के नाम आपने लिया तो वो क्यों बड़े बने? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की। सचिन तेंदुलकर ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी? नहीं। क्या जहांगीर खान ने या जहांगीर खान ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी? उसको हम कह सकते हैं। क्या इमरान खान ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी? क्या वसीम अकरम ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी? क्या मियादाद ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी? जितनी आपने प्रैक्टिस की इतना, जितनी आपने प्रैक्टिस की इतना।
हमारे पास जो यहाँ पर है वो ये है कि हम जितनी अपने सेल्स के अंदर, और इसका मजा क्या है, इसका मजा ये है दोस्त कि जिस वक्त आप फील्ड में जाएं तो जो सामने बंदा हो ना उसको बॉलर सको, आप बैटिंग करें और आप उसको चैलेंज दें। जब तक आप सामने टफ कस्टमर जितने आप जो कह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर नहीं लिखते, जब तक आप उनको एज ए चैलेंज नहीं लेते, और आप ये देखिए कि वो डॉक्टर जो आपकी प्रोडक्ट नहीं लिखते वो किसी की तो लिखते हैं, मानते ही बात, कुछ ना कुछ तो लिखते हैं। आप सबसे पहले ये सवाल है कि वो उनकी क्यों लिखते हैं। जिस दिन आपको इसका जवाब मिल गया उस दिन आप रिप्लेस कर देंगे, उसको उसकी कोई तो अदा पसंद होगी, उसकी उसको कोई बात तो पसंद होगी। मैंने आपसे कहा ना प्रोडक्ट का कोई डिफरेंस नहीं, आज प्रोडक्ट का इस सिनेरियो में कोई डिफरेंस नहीं। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले था, लोग मल्टीनेशनल्स को दूसरी को तवज्जो देते थे, कॉपियां देते थे, लेकिन अब तो है कॉपियां दिए, फर्क किसका है फिर? बंदे का। अगर वो उसकी लिख रहा है और आपके लिए लिख रहा तो बंदा, फर्क तो बंदे का। तो आज हम ये 2 दिन में अपने आप को यही बंदा बना रहे हैं, हमने यही खिलाड़ी बना रहे कि हमारे हाथ का निवाला, हमारे मुंह का निवाला छीन के दूसरा रहने के जाए। हमें अपनी अपना जो है अपना शेयर हमें बनाना है, और इसके लिए हमारी बिल होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी प्रोडक्ट दूसरे नंबर पर चल रही है, अगर आपकी प्रोडक्ट तीसरे नंबर पर चल रही है, अगर आपकी प्रोडक्ट चौथे नंबर पर चल रही है, यार आप अपने आप को झंझोड़ते क्यों नहीं है, आपको दिल पे लगती क्यों नहीं कि यार मैं इतनी दूर चल के आता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मेरी प्रोडक्ट यहां दूसरे नंबर पे क्यों है, मेरी प्रोडक्ट यहां तीसरे नंबर पे क्यों है, उसकी प्रोडक्ट नंबर 1 पे क्यों है। जब तक ये चैलेंज आप नहीं लेंगे ना, जब तक आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बहुत सी चीजें इस कमरे में सीखने को मिलेंगी, लेकिन इससे ज्यादा आपको धूप के अंदर सीखने को मिलेंगी कि वहां क्या हो रहा है, एक्चुअली गेम तो वहां हो रहा है। इस और आप खुशकिस्मत है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो वाहिद कंपनी है शायद जहां आपके हाथ की मदद, जहां आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जहां आपको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, जहां पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है कि आप अपने कस्टमर्स को अपना बनाए, आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने कस्टमर में कन्वर्ट करें। क्लियर होगी बात? तो किस चीज की हमें जरूरत है दोस्त? विल की जरूरत है हमको ना। ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 2 दिन रन करेगा, जो आज इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह, इसमें ये तमाम टॉपिक्स को हम देखेंगे। हम इसमें ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से फार्मास्यूटिकल सेलिंग को लेकर चल सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी प्री कॉल प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी ब्रिजिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी ओपनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं, रीइंफोर्स कर सकते हैं, और किस तरीके से हम कमिटमेंट लेते हैं डॉक्टर का। ये आज हम कोशिश करेंगे कि हम इनको कवर करें। कल हम ये देखेंगे कि किस कौन से रेजिस्टेंस है जो डॉक्टर हमारी प्रोडक्ट को नहीं लिखता, और रेजिस्टेंस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये तमाम चीजों को हम देखेंगे। ये मेरा प्रोग्राम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये तकरीबन मैं 4 से 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ। यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है टाइम का आप लोगों के लिहाज से भी, तो मैंने इसको 2 दिन के अंदर कोशिश की है कि मैं आप तक इसको पहुँचा, और इसको कुछ चीजें मैंने कवर की हैं जिसके अंदर बहुत सारी वर्कशॉप लगभग इसके अंदर मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको एक खिलाड़ी बना करके कम से कम यहाँ से भेजूँ। लेकिन अब आपकी बिल पर डिपेंड करेगा कि आप एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि यहाँ मेरी आवाज सबको जा रही है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जैसे आते हैं वैसे वापस चले जाते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि आपकी बिल क्या है, आप कितना सीखना चाहते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं दोस्त वो क्या होंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये होंगे कि हम, जैसे मैं आपसे कह रहा था, कि हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से हम रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिवली और फ्लेक्सिबली हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि व्हाट इज परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं दिन भर रात भर उठते बैठते हमसे परफॉर्मेंस पूछी जाती है। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज परफॉर्मेंस, तो आपका जवाब क्या होगा? व्हाट इज परफॉर्मेंस? जी हमारी फील्ड के हिसाब से अगर दिया जाए तो कंपनी के एसओपीस पे पूरा चलना, कंपनी के एसओपीस पे पूरा चलना, तो ये भी आप ले सकते हैं। जो टारगेट आपको दिया गया कंपनी की तरफ से, या आप उसको अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, एक परफॉर्मेंस ये भी होती है। आज आप जिस पोस्ट पे हैं, कल को आप इंशाल्लाह बड़े पोस्ट होंगे, आपको ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, जरूर हम रोजाना ये बात करते हैं, लेकिन हमारे जहन में क्या आता है जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, व्हाट इज परफॉर्मेंस? कोई बच्चा आपसे पूछता है, छोटा भाई आपसे घर में पूछता है कि परफॉर्मेंस आपकी कैसे जज होती है, व्हाट इज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या होती है, क्या होती है परफॉर्मेंस, तो या भाई परफॉर्मेंस क्या होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? कोई छोटा सा बच्चा समझिए मुझे और बताइए व्हाट इज परफॉर्मेंस।
मेरी नजर में जो मुझे जो डेफिनेशन चाहिए कि अपने काम जो आपको काम दिया है उसको एक अंजाम तक के पहुंचा दे, मतलब कि उसको एक अंजाम तक पहुंचा दे, आपकी जो भी एम है वो कामयाबी तक जाना पूरा करना, जो भी यानी कि आपके जो के वर्किंग है उसको आपने आप फुलफिल करना, जो यानी कि कंपनी की तरफ से जो एसओपीज हैं कस्टमर डेवलपमेंट की, प्रोडक्ट एवेलेबिलिटी की, वर्किंग की। अगर मैं इसको यूं कहूं कि परफॉर्मेंस जो है बेसिकली आपका बिहेवियर है, बिहेवियर समझते हैं ना, ठीक है ना, परफॉर्मेंस जो है वो आपका बिहेवियर है। आप बिहेवियर कैसे कोई परफॉर्मेंस को कोई जज कर सकता है बिहेवियर को साथ रखते हुए, जब तक आप उसको काउंट ना कर सके, जब तक आप उसको उसकी समरी ना बना सके, जब तक आप उसको माजी से कंपेयर ना कर सके, तीन चीजें ला सके परफॉर्मेंस का, तीन चीजें ला देते। लेकिन परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस जो है बेसिकली परफॉर्मेंस जो है वो एनी जॉब बिहेवियर दैट कैन बी कंपेयर्ड टू द गोल्स और एक्सपेक्टेशंस। आप अपने गोल्स बनाते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं और उसके बरखिलाफ जो आप बिहेवियर लेकर आते हैं, आपको फर्स्ट आना है ग्रेजुएशन में, आपको रेसिंग में फर्स्ट आना है, दौड़ में फर्स्ट आना है, आपको ऐसे मेडिकल रैप, आपको हाईएस्ट मेडिकल रैप बनना है, आपको बेथिंग मेडिकल रैप बनना है, आपको टॉप परफॉर्मर बनना है, तो इसके पीछे क्या चीज होगी, बिहेवियर, क्या चीज होगी आपका बिहेवियर। बचपन में हम बाबा से सुनते थे पूत के बाबा नजर आ जाते आते हैं ना नजर, तो आपकी हरकतें बता देंगी ना कि आप अच्छे हो या आप बुरे, एवरेज हो, बुरे तो नहीं होते, अच्छे हो या एवरेज हो या बहुत अच्छे हो, क्या चीज बताएगी आपकी दिलचस्पी आपके काम में, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपकी गुफ्तगू कैसी है, आपका कस्टमर से बिहेवियर कैसा है, आप फील्ड में कितना टाइम लगा रहे, आप कितने डिवोशन से काम कर रहे हैं। फिर मैं वही बात कहूंगा, जो आपको मिल रहा है क्या आप उससे ज्यादा वापस कर रहे हैं नहीं कर रहे, है ना। मैं तो अक्सर लोग कहता हूं कि लोग कहते हैं ना कि तस्बीह पढ़नी चाहिए, मैंने कहा जिसको याद करता है उसके लिए तस्बीह क्या पढ़नी, गिन गिन के क्या याद करता है, तो हर वक्त ही याद रहता है, जिसको गिन गिन के याद करना पड़ेगा वो तो टालने वाली बात है, तो हर वक्त होना चाहिए गिन गिन क्या किसी चीज को याद करे। जब तुम अब इश्क तो करो ना, क्रिकेट आप बच्चे खेलते हैं, हमारे घर वाले कहते थे पता नहीं क्या इनको अल्लाह ने मारे, हमारी वालदा अक्सर कहती दिन भर धूप में अपना रंग काला करते थे, मैं अम्मी से कहता था अम्मी धूप में रंग निकाला करते इनको इश्क है, वो किसी ने कहा था ना कभी इश्क करो और फिर देखो कि आग में जलते रहने से कभी दिल पे आग नहीं आती कभी रंग खराब नहीं। आपको जब इश्क हो जाता है ना फिर आप धूप नहीं देखते, फिर आप ये नहीं देखते आपको क्या, आपको पहले अपने आप से इश्क करना है, आप अपने आपको कहां देखना चाहते हैं उसके पीछे फिर आपका बिहेवियर आएगा। जिस दिन सुबह उठने में आपको कसकसाहट हो, आपकी तबीयत ना चाहे, क्या काम करेंगे आप फील्ड में जाके, क्योंकि आपके ना गोल्स है ना ऑब्जेक्टिव्स है। तो आप परफॉर्मेंस क्या है, एनी जॉब बिहेवियर दैट कैन बी कंपेयर्ड टू दी गोल्स और एक्सपेक्टेशंस। और अगर ये गिनी ना जा सके, जैसे बिलफर्ड लड़के कहते हैं अपने बॉसेस से, बॉसेस कहते हैं हाँ भाई बताओ आपकी आपकी बहन कैसी परफॉर्मेंस होगी, अरे बॉस फिकर नहीं करे आपकी दफा तो मैं जमीन आसमान मिला दूंगा, बॉस भी तालियां बजा दूंगा, आप काउंट ही नहीं कर सकते। अगर आप अच्छा सेलमैन कौन है, मुझे अच्छे सेलमैन की तारीफ बताइए, अच्छा सेलमैन कौन है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, और जिससे आप कंपीट कर रहे हैं उस जैसा भी दुनिया में कोई नहीं है, यहां लोगों की बात क्लियर हो रहा है, जहन क्लियर हो रहा है, मेरे जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं, तो आपका मेरा क्या कंपटीशन, कंपीट अपने किससे करना है, अपने आप से। हर गुजरते दिन से अगर आप बेहतर नहीं हो रहे तो वो दिन आप लॉस करें,
आप फील्ड में काम कर रहे हैं, हर गुजरते दिन से बेहतर आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वो दिन लॉस हो गया। हर गुजरते दिन से आपके कस्टमर से ताल्लुकात आपके बेहतर नहीं हो रहे, वो दिन लॉस हो गया। हर गुजरते दिन से आपके केमिस्ट से आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे, वो दिन लॉस हो गया। हर गुजरते दिन से आपके बॉसेस से आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे, वो दिन लॉस हो गया। हर गुजरते दिन से घर वालों से ताल्लुकात आपके बेहतर नहीं हो रहे, वो दिन लॉस हो गया। शाम को बैठ के एक चीज तो सोचिए, आज दिन भर में सुबह निकल के गया, शाम को लेकर आया, क्या लेकर आया। लोग जाते हैं 6 घंटे सुबह करते हैं, 4 शाम को करते हैं, घर आके बैठ जाते हैं। अगर सारी उम्र ये करना है तो यही करते हैं, लेकिन अगर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करना है अपने आपको डिफरेंट तो करना पड़ेगा। मेरी बात समझो, फनल बन रहा है, नीचे वाला हिस्सा चौड़ा है, ऊपर वाला हिस्सा पतला है, आखिर में जाकर के बिल्कुल ही मिल जाता है। तो हर आदमी क्यों नहीं बिजनेस मैनेजर बन जाता, हर आदमी क्यों नहीं मार्केटिंग मैनेजर बन जाता, हर आदमी क्यों नहीं डायरेक्टर मार्केटिंग बन जाता, क्योंकि ये फनल बनते, ये बेसिकली ट्राइंगल बनता चला जा रहा है, ये क्लोज होता जा रहा है, छन्नी लगी रही है, नीचे से खुद ब खुद लोग निकलते चले जाते हैं। तो अगर किसी चीज को परफॉर्मेंस क्या है, पहले अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव बनाना और उसके खिलाफ अपना काम करना। तो आप हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप लोगों के तो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना, जो भी आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके खिलाफ आप अपना बिहेवियर कैसा है। सुबह उठे आपके अंदर तवानाई हो, आपके अंदर जज्बा हो, आपके अंदर करेज हो, आपके अंदर पैशन हो, आपके अंदर किसी को उठाना ना पड़े, आप खुद ही उठ के बैठे हो यार मुझे आज ही करना। और जिसने सुबह उठ कर दी सोचा कि मुझे क्या करना है, उसने आधा दिन जाया कर दिया। हमें इस फार्मास्यूटिकल में एक ही चीज सिखाई गई है, एक हफ्ते पहले प्लानिंग कर लो, ये चीज तो हमने सीखी है नहीं। जो सुबह उठ करके सोचेगा मुझे आज क्या करना है, वो तो क्या, जिसको रात को नहीं पता कि सुबह मुझे क्यों उठना है वो क्यों उठेगा, जिसको रात को ये नहीं पता कि मुझे सुबह कब उठना है तो वो क्यों उठेगा। ऑब्जेक्टिविटी तो पहले बनेगी, गोल्स पहले बनेंगे, चीजें पहले, हर चीज के अंदर, जिंदगी के अंदर। बच्चों को जिनको पिकनिक पे जाना होता है उनको क्या उठाना पड़ता है आपको सुबह? बच्चे सोते ही नहीं है, एक्साइटमेंट में उठ जाते, क्यों उठ जाते हैं, दिलचस्पी है। हमारे बाबा ने क्या था, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और जो डॉक्टर नहीं बना माँ बाप ने उसकी तरफ मुंह मोड़ लिए, अरे बेकार, जो इंजीनियर बन बेकार, अरे तुम बन ही नहीं सकते, वो तो लोग ही अलग होते हैं, उसका पैशन तो देखते, तो बच्चा क्या करना चाहता है, तो आप भी इसका पैशन देखिए ना, तलाश कीजिए अपने अंदर कि किस चीज में दिलचस्पी है, जाए सुबह टारगेट लेके जाए। जब आपकी ये इंसल्ट होनी चाहिए कि आपकी ब्रेक पे आपकी प्रोडक्ट नंबर 2 है, आपको तोहीन महसूस होनी चाहिए, कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट नहीं लिख रहा तो ये आपके लिए तोहीन हो, ये टारगेट हो, ये ऑब्जेक्टिव हो आपका, ये आपके गोल्स हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2 दिन हम भी सीखेंगे कि हम क्या करेंगे, हम कैसे नंबर 1 पे आ सकते हैं, आ सकते नहीं आ सकते, हम ही जैसे लोग काम कर रहे हैं, तो हम आ सकते। क्लियर होगी बात, आइए देखें इसको, हम परफॉर्मेंस को, हम आप ये आपके पास है, ये आपके पास देखिए इसके अंदर क्या है, मैंने आपको दिए हैं, मैंने बताऊं ये बिल्कुल ओपन है जी। परफॉर्मेंस क्या है पढ़िएगा सर दोस्त, ताकि आपको ये रिवाइज दे जी सर, पढ़िएगा सर दोस्त, सामने बात करो, ठीक है ना, आपका जॉब बिहेवियर आपके गोल्स और एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ पर खिलाफ आप किस तरह परफॉर्म कर सकते। तो सबसे पहले क्या चीज बनानी है, गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स आपके सेट करने हैं, और उसके लिए गोल लगा पूरी ताकत आ, सही है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस होटल से निकल के बाहर जाए तो आपका पहला सवाल क्या होगा, मैं आपसे कहूं होटल से निकल के बाहर जाए तो आपका पहला सवाल क्या होगा, कहां जाऊंगा। तो भाई आज जिंदगी में कहां जाना है, ये कम से कम आज ये सोच, इसका जवाब मैं कल लूंगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस पे अगर 3 चीजें ना हो तो परफॉर्मेंस नहीं होती। पहली चीज क्या है, यू कैन काउंट, you can summarize, you can compare it from the past.
अगर आप उसको गिन ना सकें तो परफॉर्मेंस नहीं है, अगर आप उसको जो है समरी उसमें बना सकें तब आप उसके बारे में ये ना बता सकें कि आप बिल पर चाहते हैं 100 की जगह 110 पैक अचीव कर लिए। मैं आपको मिसाल दूँ, और कोई आपसे पूछे कि साहब ये 110 पैक आपने कैसे अचीव कर लिए और आपके पास इस पर जवाब ना हो तो आपकी परफॉर्मेंस क्वेश्चन मार्क नहीं हो जाएगी। बताइए मुझे, होगी नहीं होगी? अच्छा किया आपने, लेकिन आप बता नहीं पा रहे थे कैसे। ठीक है, तो यू कैन काउंट इट, यू कैन समराइज एंड यू कैन कंपेयर इट फ्रॉम द पास्ट। अपने आप को जैसे मैंने आपसे कहा अपनी परफॉर्मेंस को देखना है तो रोजाना अपने आप को कंपेयर कीजिएगा, आज से मैं क्या बेहतर हूँ, आज से मैं क्या बेहतर हूँ, आज से क्या बेहतर हूँ। एक लाइन पढ़ लो, एक चीज पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, एक तो पढ़ने की आदत आ, कुछ ना कुछ पढ़ लिया। डॉक्टर के पास बैठे होते हो, बाद लोग खड़े हुए सिगरेट पी रहे होते हैं, बाद लोग खड़े हुए जो है ना छालियाँ चबा रहे होते हैं, बाद लोग खड़े हुए लोगों से मजाक कर रहे होते हैं। मैं तो बता रहा हूँ कि अपने पास एक सेलिंग स्किल्स के ऊपर एक किताब आती है लोगों की, अच्छे अच्छे राइटर से मैं तुम्हें नाम भी दे दूँगा, हमें अपने पास रखो, छोटी छोटी बुक्स आती हैं हमारे पास, अपनी चीज़ें रखो, पढ़ो, अपने आप को इम्प्रूव करो यार, अपने आप को इम्प्रूव करो, निकल जाओगे। याद रखो टाइम मैनेजमेंट जब मैं पढ़ाता हूँ ना लोगों को, तो मैं उनको बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं पढ़ाता, मैं उनको कहता हूँ कि कितने घंटे होते हैं हमारे पास, कितने घंटे होते हैं सबके पास दुनिया में, 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे आपने नौकरी करनी है, 8 घंटे आपने सोना है भरपूर तरीके से, बचे क्या 8 घंटे, वो 8 घंटे आपके डिफरेंस का क्रिएट होता है कि उन 8 घंटों को कौन कैसे यूज करे। बाल लोग टीवी पर खुराफात देख रहे होते हैं, बाल लोग गली के कोने में बैठे हुए अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना, बाल लोगों को कुछ नहीं मिलता तो सोते रहते हैं बड़े बैठे, या थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करो, जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना वो याद, सोते हुए आप कुछ नहीं कर सकते। मैं नौकरी कर रहा हूँ ऑफिस में, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मुझे असाइनमेंट दिए जाएंगे वो भी करूँगा, लेकिन जो 8 घंटे मेरे हैं ना उन 8 घंटों को मैं कहाँ यूज करूँ, तो 8 घंटे काम कहाँ यूज होंगे, आप डॉक्टर के पास बैठे हुए काम करें, अपनी चीज़ें निकलें छोटी छोटी, और कोशिश कीजिए कि लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़े, लाइफ ऑटोबायोग्राफी, जिनके बड़े बड़ों के नाम आप ले रहे हैं, बिल गेट्स के, जॉन मैक्सवेल के, इनके नाम ले रहे हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़े, उनकी जिंदगी में क्या क्या, पीटर ड्रकर की किताबें आती है, इनको इनको पढ़ें, इनको देखिए कि क्या चीज़ होती है, इनको डेफिनेशन भी पढ़ा, जैसे परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस रोजाना हम बात करते हैं, हमें ये नहीं पता परफॉर्मेंस में, जब हम उन चीज़ों की वो पढ़ेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे तो हमारा दिमाग रोशन होगा, चीज़ें रोशन होंगी, हमारी दिलचस्पी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गई बात? तो अभी तक हमने क्या देखा सेशन में, हम सेशन को बंद करते हैं, फिर हम चाय का कप पकड़ेंगे। जी पहली चीज सुबह से क्या देखी हमने सर? सर हमने इंसान की तीन जो स्किल्स रहे, खौफ, लालच और एक सीखना, ये हमने सीखा इसके वाले के इस हवाले से कि जो लोग होते हैं खौफ से ज़िंदगी गुजारते हैं, और लालच वाले जो होते हैं जो जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, इसी तरीके से सीखने वाले वो लोग जो तो मेहनत का रास्ता अख्तियार करते हैं। इसके बाद हमने सेल्स के बारे में पढ़े थे, प्रिंसिपल सेलिंग क्या है, सबसे पहले तो ये है कि परफॉर्मेंस, उसमें हमने देखी कि परफॉर्मेंस तीन चार तरह की होती है, नंबर वन यूट्यूब जी कितनी किस्म की होती है परफॉर्मेंस जी तीन तरह जी कौन सी होती है सर काउंटेड ठीक है ना। अच्छा दो चीजें आपने देखी थी कि कौन कौन सी है हमारे पास, एक पहली क्या चीज थी ठीक है ना, और इसमें अहमियत ज्यादा किस चीज की है, तो हमें अपनी अपनी विल को हमेशा फर्क है, लेकिन स्किल्स को हमने नहीं छोड़ा, स्किल्स ही यकीनन हमें कामयाब मुनफरद करती है, आपको टैकल कैसे करना है, आपकी चीजें कैसे करनी है, और अच्छा अगर आपने सुपर सेलमैन बनना है, आपने अच्छा आपने मुनफरिद सेलमैन बनना है, तो आपको टेक्निक से ज्यादा किन चीजों पर ध्यान देना है, आपने देना है प्रिंसिपल्स ऑफ सेलिंग, आपने देना है फंडामेंटल्स ऑफ सेलिंग, तो सेलिंग की फंडामेंटल्स क्या, तो इन सेलिंग की फंडामेंटल्स को हम देखेंगे इसके अंदर, हम क्या चीज इनको देख रहे हैं। क्लियर हो गया बात? यस सर।